हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बेहद ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ, जो आप अपने घर के इजीली सामानों से बना सकते हैं। इसके लिए आप उसको मार्केट से भी मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये घर के सामानों से बनी हुई रेसिपी है, जो आपके बच्चों को भी पसंद आएगी और आपके घर के फैमिली मेम्बर को सबको भी पसंद आएगी। ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी रेसिपी भी है। तो फिर आइए चलते हैं इस रेसिपी की ओर। इसके लिए यहाँ मैंने 7 से 8 उबले हुए आलू ले ली हूँ। अब ये आलू को हम पाव भाजी में ऐसा से अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए, अगर आपके आलू बड़े हैं तो आप 2 या 3 आलू करिएगा, और अगर छोटे हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से रखिएगा। इसके बाद यहाँ मैंने 1 बारीक कटी हुई प्याज ली हूँ। इसके बाद यहाँ मैं 2 हरी मिर्च ली हूँ। इसके बाद यहाँ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको मैंने ऐसे कद्दूकस कर लिया है। इसको भी मैं इसी में डाल दूंगी। इसके बाद यहाँ मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपके बच्चे तीखा कम खाते हैं, नहीं खाते हैं, तो आप चिली फ्लेक्स, हरी मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ मैं हरी धनिया की पत्ती डाल रही हूँ। इसके बाद आधी चम्मच नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। इसके बाद यहाँ मैं 1 चम्मच छोटी चम्मच ओरिगेनो ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जो हमारे आलू हैं तो उसमें मसाले और प्याज मिक्स हो जाए। ये देखिए, मैं चप्पल चम्मच की सहायता से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ मैं एक ग्राइंडर जार ली हूँ। इसमें मैंने 2 ब्राउन ब्रेड लिए हैं। अगर आपके पास व्हाइट ब्रेड हो तब भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास छोटे वाले हो तो आप 3 से 4 कर सकते हैं। इसके बाद इनको मैं ग्राइंडर जार में पीस के इसका एक ब्रेड क्रम्स बना के रेडी कर लूँगी। ये देखिए, मेरे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। अब जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, तो उसको हम आलू के पेस्ट में डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैं इनको सभी को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये रेसिपी बना के ज़रूर देखिएगा, आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी होगी। तो ये देखिए, मैं इन सभी चीज़ों को मेरे में थोड़ा सा ग्राइंडर जार में जो ब्रेड क्रम्स बचे थे उसको मैं पूरा डाल दूंगी। ये देखिए, अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, जो मेरे मसाले हैं, जो मेरे आलू की कोटिंग है, तो वो बन के रेडी हो गई है। अब इसके बाद यहाँ मैं एक बाउल लूँगी। तो बाउल में टोटल मैं 5 चम्मच गेहूं का आटा, जो घर में रोटी और पराठे बनाने वाला गेहूं का आटा होता है, टोटल मैंने 5 चम्मच लिए हैं। अगर आपकी आलू की क्वांटिटी कम ज़्यादा है तो आप आटे की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ मैंने 1 चम्मच सफ़ेद तिल लिया है। इसके बाद थोड़ी सी बारीक कटी हुई हनी धनिया की पत्ती और आधा चम्मच नमक। अब इसको पानी डाल के इसका हम एक प्योरी बना लेंगे। ये देखिए, इसमें को धीरे धीरे पानी डालिएगा, ताकि लम्स ना हो। तो प्योरी हमारी बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए, ना ज़्यादा गीली ना ज़्यादा गाढ़ी, इस तरह होनी चाहिए। ये देखिए, अब इसके बाद जो हमने मसाला बनाया था आलू का, तो उसको ऐसे हाथों की हथेलियों में लेके मैं इसको टिक्की का शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो अपने मन के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेप दीजिएगा। ये देखिए, ये बहुत आसानी से बन जाएगी। ये देखिए, इसमें आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, मैं इस तरह हाथों की हथेलियों की मदद से इसको गोल भी कर दे रही हूँ। ये देखिए, मेरी पहली टिक्की बन के रेडी हो गई है। इसी तरह मैं आपको दूसरी टिक्की भी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी तरह हम इसकी दूसरी टिक्की भी बना के रख लेंगे। ये देखिए, इसको आप सुबह बना के शाम को बच्चे को जब स्कूल से आए, तो हस्बैंड आए, तो आप इसको स्नैक्स के रूप में भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने सारी टिक्कियाँ बना के रेडी कर ली हूँ। ये देखिए, जो हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनी है, कोई भी टूटी फूटी नहीं है। इसके बाद मैंने ऑलरेडी ऑयल गर्म करने के रख दिया था, जो हमारी टिक्की है तो उसको हम इस तरह आटा की स्लैरी में डिप करके, ये देखिए, और इसको हम गर्म तेल में छोड़ देंगे। ये देखिए, तेल का फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा, ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, नहीं तो जो हमारा आटा है तो वो जल जाएगा। ये देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब इनको हम सुबह 2 से 3 सेकंड तक बिल्कुल नहीं पलटना है। 2 से 3 सेकंड तक जब ये नीचे से गोल्डन ब्राउन होना पकना दिखने शुरू हो जाए, तब हम आप इनको पलटेंगे। ये देखिए, मैं धीरे धीरे से सारी जो मेरी टिक्कियाँ हैं उनको पलट रही हूँ।
ये देखिए ये झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। मेरे कहने से आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए जो मेरी टिक्कियां हैं वो बन के रेडी हो गई हैं। ये देखिए कितनी टेस्टी और कितनी डिलीशियस दिख रही है। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।